हेलो दोस्तों, आज हम डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि चिकलेट की कैप्स में आता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आज हम देखते हैं कि इसका मॉडल नंबर है KB216। ओरिजिनल कीबोर्ड यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें वर्किंग में कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता है। ये प्राइमरी पैकेजिंग के साथ आता है, इसके अंदर सेकेंडरी पैकेजिंग भी अवेलेबल रहती है। अब ये सेकेंडरी पैकेजिंग है जो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर ही आती है, जिस इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे कुछ आइकन वगैरह लिखे होते हैं जो कि इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। अब इस सेकेंडरी पैकेजिंग को हम ओपन करेंगे। यहाँ से ये ओपन होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पे अपना ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड को जैसे ही हम देखते हैं तो इसके साथ ये यूएसबी केबल है, यूएसबी पोर्ट है इसका, और ये कीबोर्ड इस तरीके से पॉली कवर में पैक आता है। इसको हटाएंगे तो ये इस तरीके का आप देख रहे हो कि ये चिकलेट्स की कैप्स में अपने को दिखने को मिलेगा, और काफ़ी स्मूथ तरीके से ये क्लिक होते हैं। और इसको यूज़ करने से आपको कहीं पे भी लैग नहीं आएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी टाइपिंग में काफ़ी अच्छी रहेगी। कहीं पे भी कोई भी आपको लैग नहीं रहेगा, जिससे क्या कहीं पे भी टाइपिंग एरर बहुत कम हो जाएगा। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और वर्किंग भी आपकी एरर फ्री रहेगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।